बताती है कि ट्रेनर जो है वो आपको किस तरह की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर एक प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जा रहे हैं, पहले उसका क्या लेवल, उसका प्रोफाइल आपके सामने होना चाहिए, और उसके बाद जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं वो एक्चुअली अपने क्लाइंट को जो है स्क्रीन करते हैं। उस स्क्रीनिंग में ये होता है कि आपकी डिस्कशन उससे चलती है, हर मॉडल का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर अलग है, और हर जो शख्स जो भी अपने आप को बिल्ड करने के लिए आया, अपने आपको फिट करने के लिए आया, देखा जाता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आया कि वो फिट है, हेल्दी है, या ओबेसिटी है, या ओबेसेंस है, वो ओबेसिटी पे फॉल कर रहा है, ओबेसिटी के आगे दो तीन कैटेगरीज हैं, फिटनेस पे फॉल कर रहा है, लो इंटेंसिटी की फिटनेस है, या हाई इंटेंसिटी की फिटनेस है, मतलब हर कंपोजिशन की जो है रिकग्निशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका जो फूड डाइट, उसका जो डाइट कैजुअल है वो बिल्कुल ही चेंज है। आज हम कोशिश करेंगे एक छोटे से, ये जो हम एक छोटा सा हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, ये बड़ा ही मुफीद रहे उन दोस्तों के लिए जो कि अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो कि अपनी जात के लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। अभी एक और चीज़, मैं अभी उनका भी नाम नहीं शामिल करूँगा, बकायदा उनके पोर्टफोलियो के साथ और उनके साथ पूरे डिस्कशन करेंगे। मेरे डिस्कशन अभी हो रही थी तो मुझे बताया गया कि अभी ये ऐसी साइंस बढ़ चुकी है कि जो कि एंटी एज है। लाइक बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मतलब बॉडी बिल्डिंग तो जवानों का शौक है, या फिटनेस जो है जवानों का शौक है, जिम